हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब ये क्लास टेंथ का हमारा नया टॉपिक है नॉमन क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो जब नॉमन क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही है तो नॉमन क्लेचर का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, वी हैव टू रिमेंबर दैट नॉमन क्लेचर का मतलब क्या है, उनका नाम करना। तो यहाँ बता रहे हैं कि द नेम ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलॉगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स या फ्रेज बिफोर और सफिक्स, ये सारी चीज़ें लगा के करते हैं, या फिर फ्रेज आफ्टर, इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जिसमें ये पता लगता है कि फंक्शनल ग्रुप का नेचर कैसा है। ठीक है, तो जो बेसिक कार्बन चेन होता है उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसका नाम बनता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, द नेम ऑफ एल्कोहल टेकन इन एक्टिविटी 4.2 आर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो ये सर इसके देखिए इस तरह से हमने नाम बना दिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। अगर मान लो किसी कार्बन कंपाउंड की हम नेमिंग कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो कुछ मेथड हैं, कैसे होगा वो जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। तो सबसे पहला नाम करने का तरीका ये होगा कि आपको ये पहचानना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसमें। ठीक है, कार्बन एटम्स कितने हैं उस कंपाउंड में। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। अगर मान लो किसी में 3 कार्बन एटम्स हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ होगी, पहला रूल। दूसरा क्या है, इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर मान लो एक ऐसा केस आता है जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, इट इज़ इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद इधर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। तो या तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे, या तो पहले, या तो सफिक्स लगाएंगे, या तो बाद में। तो फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरह से उसमें दिखाते हैं। ठीक, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फिर तीसरा पॉइंट बोल रहा है इफ़ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज़ टू बी गिवन एज अ सफिक्स। अगर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम सफिक्स के रूप में रहेगा, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई। तो उस कार्बन चेन का जो मॉडिफाई होता है नाम, कैसे, डिलीट करके, फाइनल ई को डिलीट करके एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सफिक्स, और फिर एप्रोप्रिएट सफिक्स लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन चेन है विद अ कीटोन ग्रुप, उसमें अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, कैसे नेम होगा उसका, प्रोपेन है तो प्रोपेन प्लस ई हटा देंगे, ओन हो जाएगा उसमें, तो प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। तो इस तरह से होगा, ई हम हटा देते हैं। ठीक है, फाइनली को डिलीट कर देते हैं, पी आर ओ पी ए एन ई है ना, तो ई हमने हटा दिया, पी आर ओ पी ए एन प्लस ओ एन ई, तो कीटोन के लिए ओ एन ई लगा लिया। तो इस तरह से हम नाम चेंज करते हैं, प्रोपेनोन हो जाता है। ये हो गया, देखिए इसके बाद बोल रहा है इफ़ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड। अगर मान लो कार्बन चेन अनसेचुरेटेड है तो क्या होता है, देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इन और आइन एज गिवन इन द टेबल 4.4। तो अगर मान लो एक 3 कार्बन चेन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, प्रोपीन, एंड इफ इट इज़ ए ट्रिपल बॉन्ड देन क्या होगा, प्रो पाइन। तो आपको यही याद रखना है कि अगर डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन हो जाएगा। तो इन या आइन, ई एन ई या वाई एन ई, इसको हम लगा देते हैं अनसेचुरेटेड के केस में। तो आपको याद रखना है कि अनसेचुरेटेड के केस में क्या होता है, इन या आइन लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, देखिए नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है कि कार्बन कंपाउंड करते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के, ई को डिलीट करके, अनसेचुरेटेड वाला कंपाउंड है तो उसमें हम डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा के, तो इस तरह से हम इसको नॉमेनक्लेचर इसका करते हैं। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लीजिए हैलोजन है तो हैलोजन के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है, क्लोरो या ब्रोमो लग जाता है। तो देखिए क्या हो गया, क्लोरो प्रोपेन हो गया। ठीक है, और दूसरा है तो ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए इनको याद रखना है आपको क्या है, हैलोजन्स के लिए क्लोरो ब्रोमो इस तरह से लगा देते हैं। एल्कोहल के लिए सफिक्स लगता है,
सफिक्स ऑल लग जाता है, जैसे प्रोपेनॉल, सफिक्स मतलब लास्ट में लग जाएगा तो प्रोपेनॉल हो गया वो। एल्डिहाइड के लिए एल लग जाता है सफिक्स, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। कीटोन के लिए ओन लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, सफिक्स लग रहा है सब में देखिए, प्रोपेनोन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगता है, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड अल्कीन्स के लिए इन लग जाता है, तो प्रोपीन हो गया। अब जैसे ट्रिपल बॉन्ड, इसमें सफिक्स लग जाएगा आयन, तो प्रोपाइन हो जाएगा। तो ये पूरा चार्ट देखिए आपको बता रहा है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से बना लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसके सारे रूल्स को समझ लीजिए, कहाँ पे कौन सा प्रोफिक्स लगता है, कहाँ पे कौन सा सफिक्स लगता है, किसके लिए क्या यूज़ होता है, हैलोजन के लिए क्या यूज़ होता है, अल्कोहल के लिए क्या यूज़ होता है, एल्डिहाइड के लिए क्या यूज़ होता है, कीटोन के लिए क्या यूज़ होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज़ होता है, डबल बॉन्ड के केस में कैसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड के केस में कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसानी से हमने इसका नॉमनक्लेचर देख लिया है, इसका नॉमनक्लेचर आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ये पूरा का पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए, इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स उनको पूरा सॉल्व कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। तो ये आपने पूरा का पूरा नॉमनक्लेचर देख लिया, इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर आप पूछना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी आपने गलती की तो फिर पूरा का पूरा नॉमनक्लेचर आपका गलत हो जाएगा, आप सही नेमिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ये पूरा चार्ट जो है, पुनः ये पूरा जो टेबल दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बना लीजिए, समझ लीजिए, इसको बना बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो इसमें हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे देखिए कंबस्शन है, उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन है, एडिशन रिएक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये हम इस प्रेजेंटेशन में नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पहले आप ये नॉमनक्लेचर अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पूरा 1-2 बार पढ़िए, ना समझ में आए तो पूछेगा, इसको लिख लिख के पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए इसके बेस पर। तो आज के प्रेजेंटेशन में इतना ही करेंगे हम, ये 2 पेज। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आप जो है, मतलब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम जो आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसको स्टार्ट करेंगे कल हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो आज का प्रेजेंटेशन काफ़ी छोटा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन आंसर ज़रूर सॉल्व करिए आप, क्योंकि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, जो पीछे हम पढ़ चुके होते हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बने होते हैं, और कोई डाउट हो तो पूछिए। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, थैंक यू।